दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज वीडियो का विषय है विहीनस इनसफिशिएंसी। विहीनस इनसफिशिएंसी एक विहीन का बीमारी है। जब विहीन में जो बल्ब होता है वह सही रूप से काम नहीं करता है। विहीन का जो काम है शरीर के विभिन्न हिस्सों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड शरीर से कलेक्ट करके हार्ट तक लाना। जो हार्ट से यानी हृदय के जो ऊपर के अंग हैं, वहां से ब्लड स्वतः ग्रेविटी पावर के कारण भी आ जाती है, पर हृदय से जो नीचे का अंग है वहां से ब्लड ऊपर की ओर लाना होता है, जिसके लिए वेन रिस्पॉन्सिबल होता है। वेन में जब ब्लड ऊपर की ओर चढ़ता है तो वेन का बल्ब ऊपर की ओर उस ब्लड को फ्लो करने देता है, लेकिन जब वह पुनः नीचे की ओर फ्लो होने लगता है तो उसे रोक देता है, जिस कारण ब्लड का फ्लो केवल ऊपर की ओर ही होता है। लेकिन यदि बल्ब में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाती है, यानी वेन का बल्ब सही रूप से काम नहीं करता है, तो वेन का जो ब्लड का जो फ्लो है वह ऊपर की ओर होता है, लेकिन वह फिर नीचे की ओर भी फ्लो होने लगता है, जिसके कारण जो वेन है वह लोडेड हो जाता है और वह वेरिकोस वेन भी हो जाता है, यानी वेन में सूजन भी हो जाता है। वेरिकोस वेन का मैंने एक अलग भी वीडियो बना दिया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब ही वेनस इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम आए तो वेरिकस वेन ही हो। बिना वेन में सूजन के भी वेन जब लोडेड होता है तो वह वेन से ब्लड लीक करने लगता है और लीक करके पैरों में सूजन होने लगता है। जब पैर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जमा होने लगता है तो ब्लड का आयरन टूट करके वह स्किन पर जमा होने लगता है, जिसके कारण पैर का जो स्किन है उस पर कला धब्बा भी बनने लगता है। अगर इसके हम कारण की बात करें तो वेनस इनसफिशिएंसी का कोई रियल कारण पता नहीं चला है, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से जो रिस्पॉन्सिबल या कारण है वह है ज्यादा देर तक बैठ करके काम करना या ज्यादा देर तक खड़ा रहना। ज्यादा देर तक खड़ा रहने या बैठ करके काम करने से जो वेन के अंदर जो फ्लो होना चाहिए, वेन में जो कंट्रैक्शन या रिलैक्शन जो होना चाहिए वह सही रूप से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वह क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी में बदल जाता है। वेनस इनसफिशिएंसी का कुछ खास हिम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूं। इसका सबसे जो मुख्य दवा है वह हेमामेलिस। हेमामेलिस क्यू पोटेंसी का सेवन करेंगे। इसके रोगी को पैरों में सूजन होता है, पैर थका थका महसूस होता है, पैरों में कंजेशन होता है, इसके साथ कभी कभी पैरों का जो वेन है वह सूज जाता है यानी वेरिकस वेन हो जाता है, और उसके साथ साथ नसों में दर्द भी होता है। तो हेमामेलिस क्यू पोटेंसी आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो वेनस इनसफिशिएंसी ठीक हो। अगली दवा है पालसेटिला। पालसेटिला 200 नंबर का सेवन करेंगे। यह भी वेनस इनसफिशिएंसी का एक खास दवा है। इसके रोगी को पैरों में सूजन, जलन, झुनझुनी रहता है जो शाम को बढ़ जाता है, पैरों में भारीपन होता है और पैरों में वेरिकस वेन भी हो जाता है, यानी जो वेन है वह सूज भी जाता है, और खास करके यदि गर्भावस्था के समय वेनस इनसफिशिएंसी या वेरिकस वेन हो तो पल्सी टीला 200 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो वेनस इनसफिशिएंसी या वेरिकस वेन ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एसिड फ्लोर 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि वेनस इनसफिशिएंसी के साथ पैरों में अल्सर यानी जख्म हो जाए और उसमें बहुत ज्यादा जलन रहे
तो एसिड फ्लोर 30 नंबर, दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो वेनस इस इंसफिशिएंसी के साथ साथ जो अल्सर हो चुका है वह भी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस 200 नंबर का सेवन करेंगे। वेनस इंसफिशिएंसी के रोगी को पैरों की सूजन के साथ साथ पैरों में नीला धब्बा यानी ब्लूनेस स्पॉट बन जाता है, पैरों में किसी चीज का स्पर्श यानी टच सह नहीं होता है, कभी कभी अल्सर भी हो जाता है जिससे बदबूदार ऑफेंसिव मवाद निकलते रहता है और अल्सर की चारों ओर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली और जलन रहता है और उसमें स्पर्श सहन नहीं होता, तो लैकेसिस 200 नंबर दो बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो वेनस इंसफिशिएंसी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि वेनस इंसफिशिएंसी के रोगी को पैरों में सूजन के साथ साथ चर्म जो स्किन है वह रूखा ड्राइनेस हो जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है और चर्म में स्किन में क्रेक होता है यानी कटा कटा सा लगता है और कभी कभी पैरों में एक्जिमा भी हो जाता है, तो ग्रेफाइटिस 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो वेनस इंसफिशिएंसी ठीक हो जाएगा यानी वेन सही रूप से काम करने लगेगा। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर का सेवन करेंगे। इसके रोगी को पैरों में सूजन के साथ जलन होती है, रोगी को बेचैनी होती है, रोगी बेचैन रहता है जो रात में बढ़ जाता है, इसके साथ ही पैरों में सूजन के साथ साथ अल्सर भी हो सकता है और देखने में गंदा काला सा लगता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर दो दो बूंद करके 2 बार सुबह शाम सेवन करेंगे तो वेरिकस वेन या वेनस इंसफिशिएंसी दोनों इससे ठीक होगा। दोस्तों इसके साथ ही अभी हमने जो भी सिम्टम के आधार पर दवा बताया है उन दवाओं के साथ साथ रेक्वेज का R42 नंबर का दवा आधे कप पानी के साथ 10-10 बूंद दवा 3 बार सेवन करेंगे तो वेनस इंसफिशिएंसी और वेरिकस वेन दोनों ठीक होगा। दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।